हुआ, गले मिलते हुए और खांसी नजले जुकाम वाले को नमाज में खड़े हुआ देखा, नमाज यहां से छोड़कर मस्जिद से उसको मैं बाहर निकालकर फिर नमाज पढ़ाऊंगा वरना नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। आप लोग एहतियात ही नहीं कर रहे हैं, इल्जाम हमें देते हैं, डॉक्टरों को देते हैं, डॉक्टर अपनी जान जो है ना उनकी अजाब में आई हुई है, मर रहे हैं डॉक्टर, उनको वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं, आप लोगों ने खेल बनाया हुआ है कोरोना को। भाई ये कोरोना खत्म होने वाली चीज नहीं है, 5 साल तक खत्म नहीं होगा, ये आपको मैं बता दूं, लिख कर दे रहा हूं मैं आपको, ये चलेगा ऐसे ही। जब आप सब्जी की दुकान पर जा सकते हैं, आप सुपर मार्केट जा सकते हैं, मस्जिद भी आए, जुम्मा पढ़े, नमाज पढ़े, डिस्टेंस खत्म करें, नमाज के फौरन बाद डिस्टेंस पैदा कर लें, सुन्नत नफिल पढ़नी है पीछे चले जाएं, जगह बदल लें, उसी जगह पर नमाज ना पढ़े दोबारा, ये एक काम तो ये करें, हाथ ना मिलाएं, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, हर कोई अपने पास रखे, बाहर से लगा कर आए, नमाज पढ़ते हुए अगर किसी को उतारना है तो उतार ले, लेकिन नमाज से पहले या नमाज के बाद अगर आपस में सामने खड़े हुए बात करने हैं, बगैर मास्क के कोई बात नहीं करेगा, अगर करेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसके खिलाफ बयान भी होगा, उसके नाम लेकर फिर सब तरीक किया जाएगा। इज्जत बहुत हो गई है, आप लोगों ने मुझे बेइज्जत कर करके तंग करके रख दिया है, अब नहीं, अब मैं आपको बेइज्जत नहीं करूंगा, अब मैं आपको सिखाऊंगा दीन पर अमल कैसे होता है और ये हुकूमती अहकामात पर अमल कैसे होता है, ये हमें भी आता है कराना। और अगर अब मेरे खिलाफ किसी नमाजी या किसी ने भी कोई दरख्वास्त या कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मैंने वकील से बात कर ली है, पूरे खानदान को इंशाअल्लाह ताला उसकी नस्लों को तड़पाऊंगा, कानून भी इस्तेमाल करूंगा और वजीफे पढ़कर उसकी नस्ल के लिए बददुआएं भी करूंगा, इसलिए कि मैं बहुत तंग आ चुका हूं आप लोगों की इन हरकतों की वजह से। 3 महीने हो गए मुझे बर्दाश्त करते हुए, बद एहतियाती खत्म करने का नाम कोई नहीं ले रहा, बस टाइम पर टक 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 अजान, टक 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 अजान। अबे परहेज तो करो, जो डॉक्टर कह रहे हैं वो तो करो, जो उलमा कह रहे हैं वो तो करो, अपने बाप की बात मानते नहीं हो, मौलवियों पर उंगली उठाते हो, शर्म नहीं है तुम लोगों के अंदर। मैंने कहा था हमारे नायब इमाम साहब ने, एक जुम्मे को रमजान में मैं नहीं था, थोड़ी सी रकात लंबी कर दी तो पीछे 2 लोगों ने कहा कि आपको नमाज पढ़ानी है, लंबी नमाज पढ़ा दी, शर्म नाम की चीज नहीं है, हैं इमाम को ऐसे कहते हो, पूरा जिंदगी जिसने कुरान पढ़ने में इलम हासिल करने में लगा दिया, तुम्हारी नमाज पढ़ाता है उसको तुम कहते हो नमाज पढ़ानी नहीं आती, तुम्हें तो तहारत और गुसल नहीं आता, कैसे पेशाब करने के बाद कतरे पाक करते हैं उसका तरीका तुम्हें नहीं आता पानी ना हो तो, तुम मौलवियों को सिखाते हो, इमामों को सिखाते हो। खुदा के लिए हाथ जोड़कर मैं कह रहा हूं, मैं वजीरे आला नहीं हूं कि करप्शन करके हाथ जोड़ रहा हूं आपके सामने, मैं इमाम हूं, मेरा किरदार आपके सामने है, 7 साल हो गए मेरी सारी नमाजें सब कुछ, किसी नमाज में अगर मैं नहीं हूं तो उसकी कोई ना कोई शरी उजर होता है मेरे पास, लेकिन वो उजर आप पेश करना मेरा आपके कहां सामने नहीं है, मैं आपके सामने पेश करूं, अल्लाह के सामने पेश कर देता हूं, मेरा दिल साफ है, मुझे जरूरत नहीं अपनी सफाइयां देने की, लेकिन एहतियात कीजिए, अमल कीजिए, जुम्मे की नमाज भी मिलकर खड़े होकर पढ़िए और फौरन जुदा हो जाइए, दूर खड़े होकर सुन्नतें पढ़िए, और असर की नमाज से मास्क का एहतमाम कीजिए, जेब में रख कर लाइए, पहन कर लाइए, बात करनी हो मास्क लगाकर पहनिए, मुझसे मसला पूछना हो 1 फीट दूर बैठकर मुझसे मसला पूछिए, हाथ और मिलाने की और मुझे खैर खैरियत लेने की आपको जरूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, अल्लाह हम सबको दीन की समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए, मेरी बातें किसी को बुरी लगी हों तो पेशगी माजरत है, माजरत माजरत, जज़ाकअल्लाह खैर।